जैसे हम लोग भी घर बनवाते हैं, जो लोग समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो मेन दरवाजा बाहर बनवाते ही हैं, पिछवा से एक छोटा सा दरवाजा बनवा देंगे कि हो सकता है कभी इमरजेंसी में वह काम आ जाए। खरगोश जन्म देते हैं तो एक बच्चे को जन्म नहीं देंगे, 7-8 बच्चा एक संग जन्म देंगे। अब पेड़ पौधा में ही ना कि बरगद का पेड़ चबा चबा के खाएगा, उतना बड़ा भी नहीं होता है ये कि बरगद का पेड़ खा जाएगा। खरगोश का निवास स्थान हम लोग के तरह बड़ा बड़ा महल नहीं होता है, हम लोग के तरह बड़ा बड़ा मकान नहीं होता है। खुद से अपना जमीन के अंदर बिल बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं। हम लोग जैसे मार्बल लगवाएंगे, नीचे फर्स्ट पे टाइल्स लगवाएंगे, 13 तरह का पेंट कराएंगे, ऊपर से एसी लगवाएंगे, पंखा लगाएंगे, ये सब सुविधा जीव जंतुओं को कौन देने वाला है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 11th क्लास के जीव विज्ञान के अध्याय 7 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग एक सीरीज के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं कुछ प्रमुख जीव तथा उनका परिचय। तो कुछ प्रमुख जीव और उनके परिचय में हम लोग 3-4 जीवों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहला जीव था केचुआ, दूसरा जीव था तिलचट्टा और तीसरा जीव था मेढक, और अभी चौथे जीव के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है खरगोश। तो आज हम इस वीडियो में खरगोश से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आपके चैप्टर में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी हम ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं यह NCERT पैटर्न पर आधारित है। इन हो सकता है कि अलग अलग प्रकाशन में आपके चैप्टर का नाम या चैप्टर का सीरीज अलग अलग हो सकते हैं। अभी हम जिस चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह NCERT पैटर्न का 7वां चैप्टर है। हो सकता है कि आपके बुक में यही टॉपिक किसी दूसरे चैप्टर में दिया गया हो। तो अभी हम लोग NCERT पैटर्न पे बात कर रहे हैं, NCERT बेस पे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके वजह से अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग अध्याय 7 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि है खरगोश। खरगोश का इंग्लिश क्या होता है? रैबिट। और रैबिट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मतलब कि खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अरिक्टोलोगस क्यूनिकुलस होता है। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? अरिक्टोलोगस क्यूनिकुलस। किसका वैज्ञानिक नाम? खरगोश का वैज्ञानिक नाम। जिस तरह से अभी आपको बताया कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राना टिग्रीना होगा। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम बोस बुबेलिस होता है। बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बू बिस्लिका होता है। तो हर जीव जंतुओं का, हर पेड़ पौधों का अलग अलग वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक वैसे ही खरगोश का भी वैज्ञानिक नाम क्या होगा? अरिक्टोलोगस क्यूनिकुलस होगा। तो ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम के माध्यम से ही वैज्ञानिक लोग इन जीवों की पहचान कर पाते हैं, नहीं तो हो सकता है कि खरगोश का अपने यहाँ कुछ दूसरा नाम है और दूसरे जगह जाएंगे तो खरगोश का कुछ और नाम होगा। तो इसीलिए वैज्ञानिक नाम रखा गया है ताकि हर जगह पर उसका वैज्ञानिक नाम वही रहेगा। तो ये तो हो गया खरगोश का वैज्ञानिक नाम। अब ये समझ लीजिए कि खरगोश को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि धरती पर 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों की खोज हो चुकी है और सभी जीव जंतुओं को अलग अलग वर्गों के अंतर्गत रखा गया है, उनके समानता के आधार पर, उनके लक्षण के आधार पर, उनके विसमानता के आधार पर। तो अभी हम लोग खरगोश की अगर बात करें तो इसको रखा गया है, कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखा गया है। संघ की अगर बात करें तो कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन सा है? मैमेलिया। मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है और कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखा गया है। संघ पूछा जाएगा तो कार्डेटा संघ का जीव है खरगोश, और वर्ग पूछा जाएगा मैमेलिया वर्ग का जंतु है। मैमेलिया का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी कहिए चाहे इंग्लिश में मैमेलिया कहिए, बात बराबर है। काहे तो स्तनधारी का ही इंग्लिश नाम क्या होता है? मैमेलिया होता है। और मैमेलिया में उन जीवों को रखा गया है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं, जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हो जाएगा, गाय, बकरी, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या हैं? स्तनधारी प्राणी हैं। स्तनधारी मतलब मैमेलिया संघ के जीव हैं। तो खरगोश भी क्या करता है? खरगोश भी अंडा नहीं देता है। खरगोश में जो मादा खरगोश होते हैं वे सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसलिए खरगोश भी किस वर्ग का जीव है? मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग का जीव है। अगर हम इसके निवास स्थान की बात करें, निवास स्थान का मतलब होता है ये रहते कहाँ हैं।
तो खरगोश का निवास स्थान हम लोग के तरह बड़ा बड़ा महल नहीं होता है, हम लोग के तरह बड़ा बड़ा मकान नहीं होता है। उनके रहने के लिए क्या बना, वो खुद से अपना ज़मीन के अंदर बिल बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं और उसी सुरंग में अपना जीवन यापन करते हैं। और हम लोग जैसे मार्बल लगवाएंगे, नीचे फर्श पे टाइल्स लगवाएंगे, 13 तरह का पेंट कराएंगे, ऊपर से एसी लगवाएंगे, पंखा लगाएंगे, ये सब सुविधा जीव जंतुओं को कौन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। तो इसीलिए अगर हम इसके निवास स्थान की बात करें तो ये कहाँ रहेंगे? भूमि में सुरंग बना के रहेंगे, सुरंग कहिए या चाहे बिल कहिए। और ये बिल या सुरंग इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें एक ही रास्ता नहीं होता है, उसमें अनेकों रास्ते होते हैं। काहे कि उनको पता है कि अगर एक ही रास्ता बनाएंगे और कोई दुश्मन आके उस पर हमला कर दे तो बिल में ही फंस जाएंगे। इसीलिए उनका जो बिल होता है उसमें कई रास्ता होता है, कभी इधर से आएगा इधर निकल जाएगा, उधर से आके इधर निकल जाएगा, इधर से जाके उधर निकल जाएगा। जानबूझ के वे सब अनेकों रास्ते बनाते हैं ताकि दुश्मन अगर उस बिल पे अटैक करे, आक्रमण करे, तो दूसरे रास्ते से वो निकल कर भाग सकते हैं। जैसे हम लोग भी घर बनवाते हैं, जो लोग समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो मेन दरवाज़ा बाहर बनवाते ही हैं, पिछवा से एगो खिड़की बनवा देंगे, खिड़की मतलब पीछे से एगो छोटा सा दरवाज़ा बनवा देंगे कि हो सकता है कभी इमरजेंसी में वह काम आ जाए। तो इसीलिए खरगोश भी क्या करते हैं, जब अपना बिल बनाते हैं या जब अपना सुरंग बनाते हैं तो उसमें अनेकों रास्ते छोड़ते हैं ताकि कहीं से भी आके किधर से भी निकल जा सकते हैं। तो निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? भूमि के अंदर सुरंग या बिल। अगर हम इसके भोजन की बात करें, खरगोश जो होता है यह हम लोग के तरह चाउमीन पिज्जा बर्गर नहीं खाता है, ये क्या खाता है? छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाता है, ये वो पौधों की पत्तियां हो गए, घास हो गए, कुछ फल या सब्जियों का जो बीज होता है वह हो गए। तो ये सब क्या होते हैं? खरगोश का भोजन होता है, खरगोश का आहार होता है। हम लोग के तरह ये मांसाहारी जीव नहीं है, ये शाकाहारी होता है, शुद्ध शाकाहारी। क्यों होता है? क्योंकि ये मांस मछली पिज्जा बर्गर चाउमीन नहीं खाता है, क्या खाएगा? पेड़ पौधा खाएगा। अब पेड़ पौधा में इना कि बरगद का पेड़ चबा चबा के खाएगा, उतना बड़ा भी नहीं होता है ये कि बरगद का पेड़ खा जाएगा। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे जो होते हैं, या जो घास हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, या घास का पौधा हो गया, या फल हो गया, या बीज हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, इन्हों के ये छोटे छोटे पौधों को कुतर कुतर के आराम आराम से खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये सब क्या है? शाकाहारी भोजन है। तो इनका भोजन क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा हो जाएगा, गेहूं, घास, फल, बीज या पेड़ों का छाल हो जाएगा। ये सब क्या है? शाकाहारी चीज़ है। और खरगोश क्या है? शाकाहारी जंतु है। कैसा जीव है? शाकाहारी। शाकाहारी उन जीवों को कहते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं या पेड़ पौधे से निर्मित उत्पाद को खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी, अंग्रेजी में हर्बीवोरस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलेंगे। तो खरगोश कैसा जीव है? शाकाहारी जीव है। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें, जीवन काल का मतलब होता है कि खरगोश का जीवन कितना दिनों का होता है, मतलब औसतन खरगोश कितने दिन में जीवित होते हैं, कितने दिन तक जीवित रहते हैं और कितने दिन के बाद वो मर जाते हैं। तो औसतन इनका आयु होता है लगभग 6 से 8 वर्ष। इसका मतलब कि 6 से 8 वर्ष तक ही खरगोश जीवित रहते हैं औसतन। अपवाद एक दो होता है सब जो 10-12 साल जी जाता है, कुछ तो होते हैं 4-5 साल में मर जाते हैं। जैसे हम लोग का अभी एवरेज औसतन आयु 70 साल का चल रहा है। अब अपवाद में कोई 75 जी जाएगा, कोई 80 जी जाएगा, जो थोड़ा स्ट्रांग है, जो थोड़ा सा अपने शरीर का ख्याल रखता है, एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, जिनका डाइट बिल्कुल बैलेंस है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जी सकते हैं। लेकिन एवरेज मान के अभी क्या हम लोग चल रहे हैं कि अभी जो मानव है वह 70 से 75 के बीच में ही चल दे रहे हैं। ठीक वैसे ही खरगोश का जीवन काल कितना होता है? लगभग 6 से 8 वर्ष होता है। और इस दौरान 6 से 8 साल में इनमें जो मादा खरगोश होते हैं वे चार से पांच बार बच्चों को जन्म देते हैं। और एक बार जब खरगोश जन्म देते हैं तो एक गो बच्चे को जन्म नहीं देंगे, 7-8 गो बच्चा एक संग जन्म देंगे, 4-5 गो बच्चा एक साथ जन्म देंगे। जैसे कुत्ता हो गया या बकरी हो गई, 4-5 गो एक संग जन्म देती है सब। अगर हम इसके शरीर के लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई होता है लगभग
30 से 50 सेंटीमीटर, खरगोश का लंबाई कितना होता है 30 से 50 सेंटीमीटर लगभग में होता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन लगभग मान के चलिए कि 30 से 50 सेंटीमीटर लंबाई होता है किसका, खरगोश का। इसके अगर हम शारीरिक रचना की बात करें तो खरगोश का जो शरीर होता है वह चार भागों में बटा होता है, कितने भागों में, चार भागों में। अब ये चार भाग कौन कौन से हैं, तो पहला आएगा सिर, दूसरा होगा गर्दन, तीसरा होगा धड़ और चौथा होगा पूंछ। तो ये खरगोश का जो शारीरिक रचना है यह चार भागों में बटा होता है, चार भागों में विभाजित होता है, जिसमें से पहला सिर, दूसरा गर्दन, तीसरा धड़ और चौथा पूंछ। तो ये हो गया इसका शारीरिक रचना। अगर हम इसके जनन की चर्चा करें, अगर हम इसके जनन के बारे में बात करें तो ये होते हैं एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी प्राणी का मतलब होता है कि जिन जीवों में नर और मादा अलग अलग जीवों में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी प्राणी। जैसे मनुष्य हो जाएगा, गाय भैंस बकरी हो जाएगी, खरगोश भी हो जाएगा, ये सब क्या है, एक लिंगी प्राणी है। क्यों, क्योंकि इनमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। और इसी के साथ एक और जीव आता है जिसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। तो उभयलिंगी या द्विलिंगी में उन जीवों को रखा गया है जिनमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में होते हैं, जैसे केंचुआ। तो केंचुआ क्या है, उभयलिंगी जीव है, लेकिन खरगोश क्या है, एक लिंगी जीव है। तो ये खरगोश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें मेढक से जुड़ी जानकारियाँ, केंचुआ से जुड़ी जानकारियाँ, तिलचट्टा से जुड़ी जानकारियाँ एक एक करके विस्तारपूर्वक इस प्रकार से चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।